नमस्कार दोस्तों, फिल्मी टसन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती और चंकी पांडे के अभिनय सजी फिल्म तीसरा कौन के बारे में और जानेंगे फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तीसरा कौन एक कॉमेडी, थ्रिलर, एक्शन, ड्रामा फिल्म है जिसे 23 दिसंबर 1994 को रिलीज किया गया था। फिल्म के निर्माता है यनियन सिप्पी और फिल्म को निर्देशित किया है पार्थो घोष ने। इस फिल्म में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है मिथुन चक्रवर्ती, चंकी पांडे, जावेद जाफरी, सोमी अली, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, सतीश शाह, राकेश बेदी, अमोल पालेकर, हिमानी शिवपुरी, वीना बनर्जी, गौतमी, टीनू आनंद, अवतार गिल और सदाशिव अमरापुरकर ने। फिल्म के गीत लिखे हैं समीर ने तथा संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने। फिल्म के एल्बम में टोटल 7 गाने हैं जिन्हें अपनी मधुर आवाज में गाया है कुमार सानू, अभिजीत भट्टाचार्य, उदित नारायण, अलका याग्निक, साधना सरगम, पूर्णिमा, बाली ब्रह्म भट्ट और सुनीता राव ने। फिल्म को IMDB की ओर से 10 में से 5.3 की रेटिंग मिली हुई है और 70% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म का बजट 2,20,00,000 रुपए था और इस फिल्म ने पहले दिन 32 लाख का कलेक्शन किया तो पहले सप्ताह में 1,55,00,000 का कलेक्शन किया था। इस फिल्म ने भारत में 5,31,00,000 का कारोबार किया था। अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 5,38,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करके एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। दोस्तों, बता देते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, यह फिल्म 1990 में रिलीज हुई मलयालम फिल्म नंबर 20 मद्रास मेल की रीमेक है। फैक्ट नंबर 2, मिथुन चक्रवर्ती ने इस फिल्म में खुद की भूमिका निभाई है। उन्हें फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट नंबर 3, बंगाली फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेन गुप्ता की यह पहली हिंदी फिल्म है। फैक्ट नंबर 4, फिल्म की खराब ओपनिंग के लिए चंकी पांडे को जिम्मेदार ठहराया गया था। हालांकि बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और सेमी हिट साबित हुई। फैक्ट नंबर 5, अमोल पालेकर ने अपने करियर में दूसरी बार खलनायक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म से पहले 1985 में रिलीज हुई फिल्म खामोश में खलनायक की भूमिका में दिखाई दिए थे। फैक्ट नंबर 6, बांग्लादेशी फिल्मों में जाने से पहले चंकी पांडे की यह आखिरी हिट फिल्म थी। हालांकि 4 साल बाद चंकी पांडे ने एक चरित्र अभिनेता के रूप में बॉलीवुड में फिर से वापसी की। फैक्ट नंबर 7, मिथुन चक्रवर्ती और सोमी अली की एक साथ यह तीसरी फिल्म थी। इस फिल्म से पहले कृष्ण अवतार और यार गद्दार फिल्म में एक साथ नजर आए थे। फैक्ट नंबर 8, पार्थो घोष के निर्देशन में बनी 3 हिंदी और 1 बंगाली समेत 4 फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती ने अभिनय किया है, जिनमें 1993 में रिलीज हुई फिल्म दलाल, 1994 में रिलीज हुई फिल्म तीसरा कौन, 1997 में रिलीज हुई फिल्म जीवन युद्ध और 2010 में रिलीज हुई बंगाली फिल्म रहमत अली जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिल्मों से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।